टू मैजिक बुलेट स्टडी ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जेएस क्वेश्चन, जिसको आप लोग पूरा क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिसमें आप चेक कीजिएगा 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कूट द्वारा सुमेलित कीजिए। पहला, लखनऊ समझौता। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह। तीसरा, जालियांवाला बाग कांड। चौथा, खिलाफत आंदोलन। को सन के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका उत्तर बताइए। फ्रेंड्स, आप लोगों का समय समाप्त हुआ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1920 और जालियांवाला बाग कांड 1919। इस प्रकार हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, हमें लगता है सभी लोग इसका आंसर जरूर सही देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसको प्रातः कालीन शांत स्थल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फिलीपींस, जापान। तीसरा ऑप्शन ताइवान। चौथा ऑप्शन कोरिया। इसका सही ऑप्शन जरूर बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित सर्वाधिक रैंकों वाले विकल्पों में असुमेलित चुनिए, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। दिया है खाद्यान्न, चीन, स्वर्ण उपभोग, भारत, खनिज तेल, वेनेजुएला, पशुधन, चीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत रूप से सुमेलित किया गया है, इसका बताइए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पशुधन चीन। जो पशुधन में चीन प्रथम रैंक पे नहीं है, इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी असुमेलित है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पांच हम लोग देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था, इसका उत्तर बताइए। सो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान सूरी। सो फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचार की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, रूसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, इटली क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। इसका सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। हमें लगता है इसका सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। जो ऑप्शन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। निम्न में चांदी का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रूबी सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी, हार्न सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटाइट। इसका आंसर बताइए। इसका क्वेश्चन का आंसर है जर्मन सिल्वर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्र धातु है, जो कॉपर, निकिल और जिंक का मिश्र धातु है, और जितने भी ऑप्शन हैं सब सिल्वर के अयस्क हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, नाभिकीय रिएक्टर में किसी नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है साधारण जल, ग्रेफाइट, कैडमियम का छड़ और थोरियम।
इसका सही आंसर है दोस्तों कैडमियम का छड़। यह एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, बहुत से लोग ग्रेफाइट या साधारण जल टिक कर देंगे, बट इसका सही ऑप्शन है कैडमियम का छड़। जो भारी जल और ग्रेफाइट है इनका हम मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं नाभिक के संयंत्रों में, और कैडमियम का छड़ जो है इनका प्रयोग हम एक नियंत्रक के रूप में करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा तत्व अमलगम नहीं बनाता है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है जस्ता। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहा। अमलगम मतलब कि जो पारा के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा तत्व ऐसा है जो अमलगम नहीं बनाता, अर्थात पारा के साथ रिएक्शन नहीं करता, वह है ऑप्शन नंबर बी लोहा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथ को जैविक घड़ी अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है पैराथायराइड पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल पिनियल ग्रंथि। इसका सही आंसर है दोस्तों पिनियल ग्रंथि। बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन थंबनेल में लगा हुआ था वो आप लोगों ने देखा, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा, इन विकल्पों में से किसको आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह क्वेश्चन बेस्टू एंट्रेंस में भी आ चुका है, जिसका सही आंसर है एक किग्रा ढीले ढाले भरे रोई। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी यदि हम ले